सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ भाई सरका घाट के लिए। अभी जा रहा हूँ मैं, अभी मेरे को इसके जो फ्रंट वाला हेडलाइट का हाई बीम है उसका पता करना है बजाज के शोरूम में, क्योंकि आर एस 200 में भी सेम ही साइज़ आता है हेडलाइट का। तो देखते हैं, अगर वो मिल जाता है तो वो डलवाएँगे। और इसका जो सीट कवर है, मतलब जो सीट है मेरी ड्राइवर वाली, वो भाई उसका सीट कवर जो है वैसे फट चुका है। एक वो चीज़ चेंज करवा लेंगे आज, और सीट में थोड़ी कुशन भी लगवा लेंगे, थोड़ी सी कुशनी करवा लेंगे सीट को। चलो निकलते हैं और आगे। भाई रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, रोड का काम चल रखा है तो भाई रोड सारा उखाड़ दिया है। और आज मैं एक वाइज़र भी लूँगा अपने हेलमेट के लिए, क्योंकि इसका वाइज़र जो है बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गया है उस पर। और वाइज़र लेके फिर उसके ऊपर एक जुगाड़ करूँगा मैं। अगर वो जुगाड़ कामयाब हो जाता है तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या ही जुगाड़ किया मैंने, जिससे मेरा वाइज़र ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, मतलब वाइज़र ठीक चले मेरा लॉन्ग टाइम के लिए। उसके लिए एक जुगाड़ करूँगा मैं, देखते हैं अगर कामयाब होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। यू आप देखो नज़ारे भाई, ऐसी ऐसी जगह पे रहता है आपका भाई, पहाड़ों के बीचों बीच में सब जगह पहाड़ी पहाड़ हैं। रोड की हालत देखो यार, क्या ही खतरनाक हालत है तो साला। अरे रे 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 भैया, जूता खराब करा दिए वे। भैया जी ये तो कमाल रे, अरे हाय न्यूट्रल काहे हो रही है। गॉडेस कनेक्शन ऐसा काम किया, देखो भैया लद्दाख बना दिया इसको। अच्छा खासा रोड था उसकी, कह के ले लिया भाई अच्छे खासे रोड की। ये तो साला ऑफ रोडिंग वाला फील आ गया बे। एक तो भाई पीछे वाला टायर इसका मिट्टी उड़ाता ना ज़्यादा, तो करके मैं ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो हम तो भैया सैडलिंग कर लेते हैं इस पे ही। बेटे बेटे भयंकर ही रोड हो गया भाई, भयंकर। उई माँ ये तो तालाब बन गया बे, तालाब बन गया रे, तालाब बन गया। हाय हाय हाय, आगे वाला ब्रेक छोड़ दो भाई, आगे वाला ब्रेक मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे। इधर एक लगा दे एक्सीलेटर दे के निकाल लो आराम से। ओहो बढ़िया 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 बॉयस। भाई मेरे को ये समझ नहीं आती है, रोड बना रहे हो आप तो, जो रोड पहले से है उसको तो रहने दो यार, वो सारा उखाड़ के रख दिया है कर, सारा ही उखाड़ दिया है। जहाँ पे 10 मिनट लगते थे वहाँ पे अब आधा घंटा लगा करेगा। पूरी मैया पूरी मैया पूरी मैया, भाई 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 भाई, भाई। गिरना नहीं चाहिए, बस निकल जाऊँ आराम आराम से, ना पाँव नीचे रखने पड़े। भाई साहब धूल धूल उड़ा के निकल गया भाई। तो पहुंच गया भाई सरका घाट मार्केट में। तो अभी पहले तो यहाँ पे ढूंढेंगे हम भाई सीट कवर वाला,
अगर कोई मिलता है, मेरे को तो ऐसे याद है नहीं ऐसा कि भी कोई है यहाँ पे, बट चलो ढूंढने से तो भगवान ही मिलता है, ढूंढते हैं अगर मिल जाए कोई तो। वी गो तो है, एक इससे पूछते हैं इधर। भैया अभी एक दुकान बताई भाई ने वराणा बैग हाउस करके, अब वहाँ पे चल के देखते हैं भाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बोला तो है भाई ने कि कर देगा, देख के आते हैं ढूंढते हैं कहाँ पे राणा बैग हाउस। पानी हो गई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो चलो आ रहे हैं भाई, अभी पता नहीं खाना वगैरह खाने गए होने, तो चलो अभी देखते हैं पूछते हैं इनको क्या ही बोलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली भाई सीट कवर तो अपना डल चुका है और सीट में थोड़ा कुशन वगैरह भी डलवा लिया है मैंने, सीट कवर हो गया है अपना डन। अभी हम जा रहे हैं बजाज के शोरूम की साइड, वर्कशॉप की साइड, वहाँ पे जाके देखते हैं पूछते हैं उनको अगर उनके पास है बल्ब तो। अबे बल्ब है उनके पास तो बढ़िया हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ पे रहे बजाज का, तो चलो अभी पता करके आते हैं पहले। भाई हेडलाइट फिर नहीं मिली भाई, तो सीट कवर ये डलवाया, अभी देखते हैं कैसा चलता है कितने दिन चलता है। तो भाई सीट कवर तो डल गया अपना और हेडलाइट वो मिली नहीं भाई, और एक वाइज़र लिया अपने हेलमेट के लिए एक मैंने, फ्लैशर लगाएगा कौन इसको यहाँ पे। तो भाई 1000 फ्लैशर भी मिल गया अपने को, बस अभी फिटिंग करवाते हैं इसकी। नेक्स्ट डे अभी भाई, अभी ये जो है ये नेक्स्ट डे है, तो कल मैं मतलब मेरा गोप्रो की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, तो इसलिए आगे कुछ शूट कर नहीं पाया। तो कल हमारे काम जो हुआ, कल हमारा जो है एक सीट कवर हमने डलवाया अपनी बाइक में,
तो सीट कवर कुछ ऐसा डलवाया, इतना बढ़िया तरीके से बंदे ने डाला नहीं है, पर हाँ मतलब ठीक है। और इसमें थोड़ी कुशनिंग वगैरह भी कराई है मैंने, तो एक ये काम करवाया हमने, और एक लगवाया इसमें जो हमारा फ्लैशर है, हज़ार्ड फ्लैशर, तो ये लगवाया कुछ ऐसा। तो इसके बहुत सारे मोड हैं, जो कि मोड यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्विच हमने यहाँ पे लगवाया है, तो यहाँ से हम इसके मोड चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मोड्स हैं इसमें, तो हम करा सकते हैं इसमें। तो मतलब यहाँ सीट के पास से हमने यहाँ पे एक स्विच लगवा के, तो इसको लगाने के लिए कोई भी वायर हमने कट नहीं करवाई है, बिना वायर कट कराए ही हमने ये सारा जुगाड़ कराया है। तो एक ये काम हुआ, और आगे वाला जो हेडलाइट थी, मतलब जो हेडलाइट का हाई बीम था वाला जो बल्ब है, वो ख़राब हो चुका था, तो वो अभी मिला नहीं मेरे को। तो जो कि ना ही KTM की एजेंसी पे मिल रहा है, और ना ही बजाज के, मैंने RS का सोचा था कि RS में भी सेम बल्ब आता है, तो वो लेके ही इसमें डाल दें, पर RS का भी मेरे को नहीं मिला, मतलब जो एजेंसी थी बजाज वालों की वहाँ पे। तो कुछ ये दो एक दो काम करवाए, एक काम जो मेन काम था हमारा वो हो नहीं पाया, और ये सीट कवर और ये डलवा लिया हमने। एक हज़ार फ्लैशर बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये डलवाना है, तो ये भी हमने डलवा लिया। और एक हमने लिया है वाइज़र हेलमेट के लिए, वो मैंने कल शायद आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो बस यही काम करवाए, कुछ यही एक दो काम करवाए हमने। और अभी जो है, मैं आपको ये जो हज़ार फ्लैशर मैंने लगाया है, इसके जो मोड्स हैं उनके उनको दिखा देता हूँ, क्या कौन कौन से मोड है इसमें। इसमें मतलब 5 से 10 मोड है इसमें, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से मोड है। हमने स्विच लगवाया इसमें, एक ये मोड है इसमें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये नॉर्मल जो है हज़ार चलता है अपना, वही है, चारों इंडिकेटर चलते हैं जिससे, और एक ये है, और एक ये है। तो बस यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और सामने का व्यू आप देख लो भाई, कैसी पहाड़ी के पास खड़े हैं हम, बहुत ऊंची पहाड़ी है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें वीडियो के बेस्ट पार्ट के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।